नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट पेपर आपका बचा है भूगोल का, और पेपर आपका बहुत ही ज़बरदस्त जाना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जाना चाहिए। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको याद ना हो। चलिए तो आ जाइए मेरे साथ, और आपके इस पेपर में क्या प्रश्न आ सकते हैं हम देख लेते हैं। देखिए, समय आप लोगों के पास भी अब बचा नहीं है, तो स्टूडेंट्स आइए और अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दो लाइव क्लास को, और आप भी जुड़ जाइए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी इसी प्रकार अपडेट आपको मिल सके। चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के भी संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन किसका है? कुमारी एलन सी सैंपल। देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं स्टूडेंट्स। रुको और जाओ निश्चयवाद अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? देख सकते हैं आंसर, ये आंसर भी यहाँ पर दे रखा है। अभी मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, या मैंने ये पीडीएफ डाल रखा है स्टूडेंट्स, तो आप जाइए टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो, इन क्वेश्चनों को पढ़ लो। ये क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ पर पहला वाला भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी, अब खालिस्तान का आंसर तो है ही नहीं, ये लिखा है मानव आएगा खालिस्तान में, क्या आएगा? मानव। दूसरे वाले में क्या आएगा? जर्मनी, रेड जेल जर्मनी देश के भूगोलवेत्ता थे। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं सत्यापत्य, सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहीं पर मिलेंगे, बस इतना पढ़ लीजिए अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। स्टूडेंट्स यहाँ पर है आपकी जोड़ी, जोड़ी आप यहाँ पर मिलाएंगे। अंतिम पेपर आपका होने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़बरदस्त आपका पेपर जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखकर जाइएगा अगर आपने देखना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर एक शब्द उत्तर, पृथ्वी के दो प्रमुख कारक कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भौतिक घटक तथा सांस्कृतिक घटक, सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल रहे हैं। फ्रांसीसी स्कूल के जनक कौन थे? तो विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास फ्रांसीसी स्कूल के कौन थे? जनक थे। सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इनको पढ़ लीजिए, नहीं तो पछताओगे बाद में कि शायद हम इन प्रश्नों को पढ़ लेते, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले क्वेश्चन पेपर के प्रश्न है। और विकल्प देख लीजिए, सही विकल्प देख लीजिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आंसर नीचे बताऊंगा सभी प्रश्नों के, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आंसर ये दे रखे हैं नीचे, रिक्त स्थान के भी आपको मिल जाएंगे। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा, देख सकते हैं यहाँ पर सत्यापत्य देख सकते हैं, पूरे क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं आपको। बस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुंचा दो इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पेपर में, देख सकते हैं। और भी ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, विश्व में प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या देख सकते हैं आप, सभी क्वेश्चनों के उत्तर मिल रहे हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, पूरा पीडीएफ है ये, जिससे आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपको नहीं लेना है पीडीएफ तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मत डालना, नो लिख देना उसमें, नो नहीं चाहिए, और अगर आपको चाहिए तो यस लिख देना, ठीक है, ताकि मैं जल्दी आपको सेंड कर दूँ। शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक वीडियो हमारा सुबह आने वाला है, उसको भी ज़रूर देख कर जाइएगा।